अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दीपालपुर। स्टूडेंट्स, हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे डेफिनेट इंटेग्रल। कोर्स का नाम आपके पास है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। तो आपके पास डेफिनेट इंटेग्रल को हमने पहले देखा कि डेफिनेट इंटेग्रल होता क्या है, ऐसा इंटेग्रल जिसकी लिमिट्स हों ए टू बी, आपने उसको एवेल्यूएट करना हो, इसको आप बोलते हैं डेफिनेट इंटेग्रल। देन आपने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की और कुछ हमने इसके काफ़ी सवाल किए हैं, लाइक 3.6 एक्सरसाइज आपके पास। और अब हमारा जो कंसर्न है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल। एप्लीकेशन का लफ्ज़ी मतलब होता है यूजेस, इस्तेमालात, यानी आप डेफिनेट इंटेग्रल को कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम ये बात बताई थी कि हर वो जगह पे आपके पास डेफिनेट इंटेग्रल होगा जब आपके पास एक गिवन कर्व हो, आपने उसका अंदर एरिया फाइंड करना हो। तो आपके पास एक्सरसाइज 3.7, इट इज़ वेरी सिंपल एक्सरसाइज, टोटली क्वेश्चन आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट आपको एक मैं क्ल्यू देने जा रहा हूँ, वो ये कि आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन है, आपने स्टेटमेंट को बस अंडरस्टैंड करना है कि वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है। ज़रा क्वेश्चन नंबर 3.7 के पहले क्वेश्चन को आप ज़रा जज करें, क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड कर्व। एक्स एक्सिस के बिटवीन आपने एरिया फाइंड करना है, किसका, एक कर्व उसने आपको दे दी है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, और कहाँ से लेके कहाँ तक, वन से लेके टू तक। तो स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए कोई इशू नहीं है, बिकॉज आप 3.6 में बड़े हैवी किस्म के इंटेग्रल सॉल्व कर चुके हैं। तो जस्ट आपने क्या करना है, इसकी आपने एरिया फाइंड करना है, आपको लिमिट्स भी गिवन है। एरिया अंडर द कर्व आप किस तरह फाइंड करते हैं, आप सिंपली डेफिनेट इंटेग्रल बनाते हैं, डोमेन आपको गिवन है वन से लेके टू, फंक्शन आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन, और अगर आपके पास वेरिएबल एक्स है तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करेंगे। अब आप जानते हैं आप इसको किस तरह दो हिस्सों में तोड़ दें, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वन, वन से लेके टू, दिस इज डी एक्स। सिंपली आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, आपके पास जब भी फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो, एक्स का डेरिवेटिव जिस तरह वन है, आप उसकी इंटीग्रेशन में जस्ट पावर में एक इजाफा करेंगे और वही पावर आपके पास बटे में यानी डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो ये आपके पास एक्स की पावर 3/3 प्लस, और लिमिट आपके पास है वन से लेके टू, और वन की इंटीग्रेशन आपके पास एक्स होती है, क्योंकि हम जानते हैं एक्स का डेरिवेटिव वन, तो वन की इंटीग्रेशन एक्स, और लिमिट आपके पास है जी वन से लेके टू। सिंपली अब आप इसकी लिमिट्स को ज़रा ऐड करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, 1/3 एक कॉन्स्टेंट नंबर है, तो 2 की पावर आपके पास 3 माइनस 1 की पावर 3, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सेम प्रोसीजर आप यहां पे करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो स्टूडेंट्स आपके पास ये आंसर आ जाएगा 2 की पावर 3 8 माइनस 1, दिस इज आपके पास आ जाएगा 7 प्लस 2 माइनस 1, दिस इज 1। अगर आप इसका एलसीएम लें आपके पास आ जाएगा 3, तो 7 प्लस 3 आपके पास क्या आ गया 10 स्क्वायर यूनिट। तो स्टूडेंट्स, दिस इज आपके पास किसी भी कर्व आपके पास गिवन थी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, आंसर आपके पास क्या आया है जब आपने उसको डोमेन दी है वन से लेकर टू। जब भी आप कर्व को एरिया निकालेंगे, एरिया का आपके पास यूनिट हमेशा क्या होता है, स्क्वायर यूनिट। स्टूडेंट्स, इसी तरह का आपका एक और वेरी सिंपल क्वेश्चन, जो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बिहेवियर को और ग्राफ को अच्छी तरह जानते हैं। हमने क्या करना है, हमने एरिया फाइंड करना है, कर्व आपके पास क्या है y इज इक्वल टू साइन टू एक्स। आप एरिया फाइंड करने को आप जानते हैं, आप सिंपली एरिया किस तरह निकालते हैं, आप एक डेफिनेट इंटेग्रल को इवेल्यूएट करते हैं बाय यूजिंग इट्स लिमिट्स। लिमिट आपके पास यहाँ पे हैं 0 से π/3, और आपके पास कर्व क्या है साइन टू एक्स, और इंटीग्रेट आप करेंगे एक्स के लिहाज से। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी इंटीग्रेशन का एक अपना फार्मूला है, साइन की इंटीग्रेशन होती है आपके पास माइनस कोज एक्स। अब आपके पास ये एक साइन फंक्शन नहीं है बल्कि क्या है, साइन टू एक्स, तो टू यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट का रोल प्ले करेगा। आपके पास फिर इसकी इंटीग्रेशन किस तरह आएगी, साइन की इंटीग्रेशन आपके पास होता है माइनस कोज एक्स, तो माइनस कोज ऑफ टू एक्स ओवर टू, देन आपके पास क्या आ जाएगा 0 से π/3 तक इसका लिमिट्स। आप किस तरह इवेल्यूएट करते हैं, पहले आप इसमें अपर लिमिट अप्लाई करेंगे देन लोअर लिमिट, माइनस 1/2 आपके पास यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, तो ये कोज ऑफ 2π/3 माइनस कोज ऑफ 0। स्टूडेंट्स, आपने अपर लिमिट अप्लाई की देन लोअर लिमिट, और ये आपके पास क्या आ जाएगा जी माइनस 1/2। अब कोज 2π/3 ये आपके पास बना है कोज 120 डिग्री, और कोज 120 डिग्री आपको आंसर देता है जी माइनस 1/2, और कोज 0 आपको आंसर देता है 1। तो सिंपली आपने स्क्वायर को कैलकुलेट कर लेना है, ये आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 1/2
एलसीएम आपके पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, माइनस 1 और माइनस 2 दिस इज माइनस 3, और जब आप इसको बाहर कॉन्स्टेंट नंबर माइनस 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपको आंसर देगा 3/4। स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ गया, एरिया अंडर द कर्व, और एरिया का यूनिट आपके पास क्या होता है, स्क्वायर यूनिट। आपने यहाँ पे बस एक बात का ख्याल रखना है कि आपके पास किसी भी कर्व का एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी आपने कर्व का एरिया निकाला जो कि 10/3 स्क्वायर यूनिट एक पॉजिटिव नंबर है, और यहाँ पे भी आपके पास ये एक पॉजिटिव नंबर है। तो स्टूडेंट्स 3.7 एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन में आपने जस्ट एरिया फाइंड करना है। आई होप आप बाकी तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।